माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं नुसरत। भाई नुसरत, मैं तो कहती हूँ कि मौलवी को बुलाकर अभी दोनों बच्चों का निकाह पढ़वा देते हैं, फिर बाद में शानदार सा वलीमा भी कर लेंगे। सलमा, आपको तो बहुत ही जल्दी है, हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी हो जाएगा। भाई नुसरत, सच बात बताऊँ आपको, मुझसे तो और इंतज़ार नहीं हो रहा। बस ये हमारी छोटी बिटिया के आने वाले ससुराल वाले, वो आ जाएं तो कोई अच्छी सी तारीख निकाल लेते हैं। अम्मी, मैंने शाहजहां को कॉल की थी, वो निकल गए, बस पहुंचने वाले होंगे। हाँ अच्छा, बस आने वाले। दिल रुकने के लिए पी ले। पर्स में से एक चीज बाहर आएगी और अरे बेटे, सलमान जी को दो चाय। नुसरत भाई, हमें ज्यादा लंबी तारीख तो चाहिए नहीं है, छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं मेरे बेटे की, अगले हफ्ते ही शादी रख लेते हैं ना। क्यों, क्या ख्याल है आपका? आप जी जी, मेरा ख्याल है कि हफ्ता 10 दिन बहुत होते हैं तैयारी के लिए। नुसरत भाभी, मैं तो कहती हूँ बिस्मिल्लाह। मेरा ख्याल है शाहजहां से भी पूछ लेना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है शाहजहां? शाहजहां को भला क्या इतराज हो सकता है, उसने दो तैयारियां करनी है बस, वो कर देगा। नहीं भाई, हमारा बेटा है, इसकी राय भी तो अहम है। बताओ बेटे। आप सब लोग बड़े हैं, अगर फैसला कर चुके हैं तो मुझे क्या इतराज होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, चले भाई, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। नुसरत, वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी आपसे, वैसे आप भी क्या कहेंगी कि मैं हर बार कुछ ना कुछ कहती ही रहती हूँ। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हैं, आप कहिए ना। वो उज़ैर चाह रहा था कि शादी से पहले मेहरू के साथ डिनर पर चला जाए। आपको तो कोई एतराज़ नहीं होगा ना? जी एतराज होगा हमें। हमारे खानदान में लड़कियां शादी से पहले कहीं नहीं जाती। बिल्कुल एतराज होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है।